लेकिन जिस लड़की के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वो लड़की जिसे मैं आखिरी सांस तक अपने साथ चाहता हूं, वो लड़की जिसे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चों की मां बने और पोता पोती थे आप, वो लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूं और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, वो नैना है अम्मी। बहुत मुबारक हो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। वो मेरा खून कर देंगी, खून कर देंगी, मुझे मार डालेंगी। वो जरूर कुछ ना कुछ लेने गई है मुझे मारने के लिए। क्या मैं जाऊँ उनके पीछे? पुरसुकून हो जाओ, पुरसुकून हो जाओ। वो मेरी माँ है, मुझे यकीन है उन्हें कुछ बुरा नहीं लगेगा। यकीन है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बैठो तुम और कुछ ऑर्डर करो प्लीज, कुछ समझ नहीं आ रहा। बोझ उतर गया कंधों से। अभी कहाँ यार, बेफिक्र हो जाओ, तो मैं उनके साथ बैठकर एक दफा सब कुछ बता दूंगा उन्हें। हाँ, सब कुछ बता दो उन्हें। एक्सक्यूज मी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं यार, ये सच नहीं हो सकता। वो जरूर मुझसे मजाक कर रहा है। वो उस लड़की से शादी कैसे कर सकता है, कैसे कर सकता है? सुनिए, गहरी गहरी सांसें लो, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, नहीं हो सकता ऐसा। हेलो, कैसे कर सकती हो तुम? वो पागल लड़की मेरी बहू हरगिज़ भी नहीं बन सकती। उफ, कभी नहीं बन सकती। सोनिया को सोचना होगा तुम्हें, वरना वो पागल औरत सारी जिंदगी के लिए सवार हो जाएगी तुम्हारे सर पे। फोन करती हूँ, महक को फोन करती हूँ। महक, मुझे दो, ये मैंने पसंद किया है। इसे मैंने यहाँ से उठाया, ये आपका नहीं है। मगर पहले मैंने उठाया है, समझी? छोड़ दीजिए इसे। नहीं, मैं नहीं छोड़ू। हेलो जी अम्मी। हेलो महक, कहाँ हो बेटा तुम इस वक्त? छोड़ो, शॉपिंग कर रही हूं। मैं कह रही हूं छोड़ो, छोड़ दे इसे। मैंने कहा है ये मेरा है, दो इसे मुझे। छोड़ दे प्लीज। क्यों मी, बात सुनिएगा, क्या ऐसा एक और होगा? दूसरा देखो, मुझे दे दो, बस यही है। अरे कह रही हूं छोड़ो इसे, छोड़ो। महक, आखिर तुम कर क्या रही हो वहाँ पर? रुको जरा, तुम क्या कहा तुमने? मैं आपसे बात नहीं करी, दरअसल मैं शॉपिंग पे आई हुई हूँ। शॉपिंग? छोड़ दो शॉपिंग, छोड़ दो शॉपिंग। मुझे एक बहुत जरूरी बात बतानी है तुम्हें। सिनान शादी कर रहा है। हाँ मैं जानती हूँ वो शादी कर रहा है, तो क्या हुआ? मैं तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। सिनान उसी बेवकूफ और पागल लड़की से शादी कर रहा है। क्या? हाँ मैं, ये बिल्कुल सच है। मेरी नजरों के सामने उस बेवकूफ लड़की से मोहब्बत का इजहार किया और प्रपोज भी कर दिया। ऐसा किया उसने? तो फिर आपने क्या किया? मैं क्या कहती, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल पागल हो गई। मैं उसे मुबारकबाद देकर फ्रेश होने का बहाना बना के तुमसे रेस्टरूम में आके बात करूं। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने। आप बस इत्मीनान रखें, वापस जाएं उनके साथ बैठें, बाकी सब मैं ठीक कर दूंगी। कैसे करोगी? क्या यकीन है तुम्हें? मुझे पूरा यकीन है अम्मी, मैं कर दूंगी। और आप तो जानती हैं मुझे, मैं जो कहती हूँ वो करके दिखाती हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं देख लूंगी। हाँ ठीक है मैं, तुम ऐसा करो, फौरन घर आ जाओ, वहाँ बैठकर इत्मीनान से बात करते हैं। ठीक है, आ जाऊंगी मैं। मैं फोन बंद करती हूँ और वापस टेबल पे जाती हूँ, कहीं उन्हें शक ना हो जाए मुझ पर। ठीक है। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल, मैं रखती हूँ, बाय बाय। एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं आपका सामान चेक कर सकता हूँ? जी कर लीजिए। ये क्या है मैम? मुझे नहीं पता, ये मेरा नहीं है। ये तो आपके बैग से निकला है। मुझे नहीं पता मेरे बैग में ये कहाँ से आया, मैंने तो नहीं खरीदा ये। ये सब आप मैनेजर को बताइएगा, आइए मेरे साथ। अरे क्या मसला है ये, मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है।
मैं इतनी सस्ती चीज क्यों चोरी करूंगी, मैं तो हमेशा यहीं से खरीदारी करती हूँ। मुझे नहीं मालूम मैम। देखा तुमने उसे, इतनी अच्छी शक्ल है और हरकतें देखो कैसी है इसकी, शर्म आनी चाहिए इसे। अरे बच्चों, भूख लगी होगी तुम लोगों को बहुत, चलो खाना खाते। अमिया ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन आप ठीक नहीं लग रही, बाल खराब हुए हैं आपके। ओ अच्छा, वाकई जल्दी में भूल गई शायद। अच्छा तो तुम लोगों ने गेम खेला मुझसे, ऐसा क्यों किया? इसमें दोनों की कोई गलती नहीं, इसकी कसूरवार मैं हूँ। ये सब इसलिए किया कि आप मुझे पसंद नहीं करती थी और इस वजह से मैंने ये प्लान बनाया था। मैम माफी चाहती हूँ मैं आपसे। किसने कह दिया कि पसंद नहीं हो तुम? मेरे बेटे को पसंद तो मुझे भी पसंद। कितनी बेवकूफ, गले मिलके तुम्हें मुबारकबाद, बहुत मुबारक हो तुम्हें। नैना तुम भी खड़ी हो जाओ। और तुम्हें भी नैना, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी दुआ है तुम दोनों हमेशा साथ खुश रहो। बहुत शुक्रिया आपका। जानती है जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मैं उस वक्त ही आपसे बहुत इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन कुछ गलतियाँ ऐसी हो गई मुझसे जिसकी वजह से मैं आपसे डरने लगी। यकीन करें मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। तो आपने माफ कर दिया ना? नैना अब तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं अब नहीं डरूंगी मैं। मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम मेरे बेटे की खुशी है और कुछ नहीं। ठीक है सीमा, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी बात सुनो, उसे गर्म पानी से नहलाओ, ठीक है? मैं बस आधे घंटे तक तुम्हारे पास आता हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। बस मैं फौरन तुम्हारे पास आने की कोशिश करता हूँ, फौरन, ठीक है ना? मुझे माफ करना लेकिन मुझे फौरन यहाँ से निकलना होगा, एक इमरजेंसी हो गई। आप लोग जब तक खाना खाएं, जब तक आप लोग खाना खत्म करेंगे तब तक मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है ना? आई एम सॉरी अगेन। हॉस्पिटल जा रहे हो? नहीं नैना, हॉस्पिटल नहीं जा रहा, बल्कि एक मरीज को देखने उसके घर जाना होगा मुझे। मरीज को इंतजार करवाना ठीक नहीं है सिना, तुम जाओ, जल्दी जाओ। नैना नाराज हो क्या? नहीं तो नाराज नहीं हूँ मैं बिल्कुल भी, तुम मरीज को देखकर जल्दी से वापस आ जाना। ठीक है, जल्द मिलता हूँ। अरे सिना रुको जरा, सुनो मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है, माफ करना बेटा, हम लोग किसी और वक्त बैठकर साथ खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ जरूर जरूर, हमें घर चलना चाहिए, मेरा भी हुलिया ठीक नहीं है बिल्कुल, फिर किसी दिन एक साथ हम सब खाना खा लेंगे। हाँ ठीक है, तो फिर यही करते हैं। बिल ले आइएगा प्लीज। मुझे लगता है अम्मी को तुम पसंद आ गई हो। मैं भी उन्हें पसंद करती हूँ।